मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में शिमला में आयोजित प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में वर्ष 2023-24 के लिए नई आबकारी नीति को स्वीकृति प्रदान की गई। इस नीति का उद्देश्य सरकार के राजस्व में पर्याप्त वृद्धि, शराब के मूल्य में कमी और पड़ोसी राज्यों से शराब की तस्करी पर अंकुश लगाना है। वहीं मंत्रिमंडल ने राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए L3, L4, L5 लाइसेंस धारकों को 3-स्टार रेटेड और इससे ऊपर के होटलों के सभी कमरों में रहने वाले के लिए मिनी बार की अनुमति प्रदान करने का निर्णय लिया है। वहीं बैठक में राज्य में एक प्रभावी ऑनलाइन एंड टू एंड आबकारी प्रशासन प्रणाली स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया।